नमस्कार दोस्तों, अगर आप हिंदी भाषा में कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले हैं कि सी टाइप के बारे में। अगर हमारा विंडोज़ क्यों क्रूप होता है, हमारा विंडोज़ ख़राब क्यों हो जाता है और हमें फिर से इंस्टॉल क्यों करना पड़ता है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारा विंडोज़ क्रूप क्यों होता है, इसका कारण जो है वो ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है आपके सिस्टम में, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो इस सारा का प्रोग्राम्स जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आप इसमें से कुछ भी डिलीट करते हैं, प्रोग्राम्स फाइल्स होते हैं इसमें से अगर आप कुछ भी डिलीट कर देते हैं तो आपका विंडोज़ काम करना बंद कर देता है, और काम करना बंद कर देता है और आपका विंडोज़ ख़राब हो जाता है। तो आप इन सारे फोल्डर्स को सेफ रहने दें, इसे डिलीट मत करें क्योंकि आप फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट भी कर देते हैं तो जैसे ये यहाँ से इसको डिलीट भी अगर आप कर दीजिएगा और फिर से आप इस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कीजिएगा, इस सारे सॉफ्टवेयर्स को, तो वो फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर वो फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाता है तो फिर हम उसको डिलीट क्यों करें। तो इन सारे में से इस सब को डिलीट नहीं करना है और इस विंडोज़ फाइल को बिल्कुल ही डिलीट नहीं करना है, इस प्रोग्राम फाइल्स को बिल्कुल ही डिलीट नहीं करना है। अगर इसमें से आप कुछ डिलीट कर देते हैं तो आपको जिस सॉफ्टवेयर को आप डिलीट करेंगे वो काम करना बंद कर देता है। तो अब अपना विंडोज़ को सेफ रखिए और ये विंडोज डिफेंड तो डिलीट नहीं करना है, सी टाइप में कुछ भी डिलीट नहीं करना है तो ही विंडोज़ आपका सेफ रहेगा। वरना अगर आप सी टाइप से कुछ भी डिलीट कर दोगे तो ये आपका विंडोज़ ख़राब हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा और आपको फिर से विंडोज़ री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए छेड़खानी मत कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।